असलम चैप्टर नंबर टेन फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लान्ट और टॉपिक है हमारा टेन पॉइंट सिक्स पॉइंट टू टू लो एंड हाई टेम्परेचर और इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट्स लो टेम्परेचर अफेक्ट द फ्लुइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स एक्चुअली लो टेम्परेचर क्या करता है कि जो प्लांट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके फ्लूड नेचर को चेंज कर देता है इट इज़ अल्टीमेटली रिलेटेड टू अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट अक्रॉस द मेमब्रेन अब जब उसके एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूड नेचर को चेंज कर देता है तो वो जो सल्यूट एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते थे या बाहर आ सकते थे उनके ऊपर असर पड़ता है अंडर सच कंडीशन द प्लांट सेल इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स विच प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशंस अब जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इस प्रॉब्लम के अंदर प्लांट्स किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि प्लांट अपने अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनमें अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स का जो प्रपोर्शन है तनासब है उसे बढ़ा देते हैं और फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन की वजह से सेल के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्चुअली बर्फ के क्रिस्टल्स या बर्फ नहीं बनती है सो द लो टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मे कॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन सेल और क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो सेल के अंदर भी बर्फ जमने का खतरा होता है दिस इज अवॉड बाई द प्लानबिटिंग कोल रीजन बाय डेवलपिंग टॉलरेंस इन विच द कंपोजिशन ऑफ सल्यूट ऑफ सेल इज अल्टर इन अ वे दैट आइस क्रिस्टल आर फॉर्म इन द सेलॉल रैदर दैन द साइटोसोल अब वो प्लांट जो हैं जो इंतहाई कूल इन्वायरमेंट के अंदर या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर सर्दियाँ बहुत लंबे अरसे तक और बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो ज़ाहिर है अगर सेल के अंदर बर्फ़ जम जाएगी तो तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगी और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाएगी तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उस रीजन के प्लांट्स जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं अपने अंदर एक ख़ास किस्म के टॉलरेंस क्रिएट करते हैं जिसे हम फ्रीजिंग टॉलरेंस कहते हैं और इस फ्रीजिंग टॉलरेंस की वजह से जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो एक्चुअली साइटोसोल के अंदर नहीं बनते बल्कि वॉल के अंदर बनते हैं तो सेलवॉल तो बाहर से यानी बाहर से तो प्लांट जो है वो बर्फ के अंदर जमा हुआ मालूम होता है लेकिन उसके अंदर जो पानी यानी साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और डिफरेंट टाइप के सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं वहाँ बर्फ़ नहीं जमती बल्कि वहाँ सुपर कूल की कंडीशन रहती है और प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक्चुअली स्टॉप नहीं होती हैं ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे बर्फीले इलाकों के अंदर सतह पे बर्फ़ जमी हुई होती है और वहाँ रहने वाले लोगों को जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस बर्फ़ को तोड़ते हैं तो अंदर से पानी निकलता है यानी अंदर की तरफ ठंडा पानी मौजूद होता है और इसका तजुर्बा अगर हम अपने फ्रीज़र के अंदर भी अगर किसी बर्तन के अंदर बर्फ़ जमने के लिए रखते हैं तो हम देखते हैं कि साइडों पर तो बर्फ़ मौजूद होती है जब बर्फ अगर पूरी तरह ना जमी हो तो साइडों पर बर्फ होती है और बीच के अंदर सुपर कूल वाटर मौजूद होता है तो एक्चुअली सेल में भी कुछ इसी किस्म की कंडीशंस आ जाती है कि सेल वॉल में तो बर्फ़ जम जाती है लेकिन साइटोसोल में बर्फ नहीं जमती है द साइटोसोल इज़ सुपर कूल्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ आइस यानी अब अगर जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाए माइनस में भी चला जाए तब भी साइटोसोल में बर्फ नहीं जमेगी बल्कि वो सुपर कूल कंडीशन में रहेगा